हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ से मिस मैजिक किचन में। गर्मी आते ही हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में आपको छाछ बनता हुआ दिखाई देगा। कहीं इसे मट्ठा कहते हैं, कहीं इसे बटर मिल्क कहते हैं और कहीं इसे छाछ कहते हैं। ये जो छाछ होता है वो आपके बॉडी को इतना ठंडक देता है और साथ में अगर थोड़ा पाउडर मिक्स कर दें, छाछ वाला परफेक्ट पाउडर, तो इसका जो स्वाद है और साथ ही इसका जो बेनिफिट है वो डबल हो जाता है। तो चलिए रिफ्रेशिंग कूल रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारी नोटिफिकेशन जो होती है रेसिपीज की वो आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया पुदीना, साथ ही मैंने ले लिया बारीक कटा हुआ धनिया और करी पत्ता। अब ये जो पत्ता है, अगर आप इसे सुखा के और इसका पाउडर बना के रख लिए हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसे, जिसे मैं सेक रही हूँ, इस तरीके से सेक के और इसका पाउडर में यूज कर सकते हैं। अब ये जो लीव्स हैं इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एक बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब इसके साथ ही मैंने पैन में ले लिया 3 टेबलस्पून जीरा। जीरा का जो बेनिफिट है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो वो जीरा ठीक कर सकता है। 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया धनिया, धनिया भी काफ़ी ठंडा होता है बॉडी के लिए। और साथ ही हम ले लेंगे सौंफ। सौंफ तो जनरली आप सौंफ का पानी गर्मियों में देखते होंगे, बहुत लोग पीते हैं, तो सौंफ का भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। साथ में मैं ले लूँगी 1 चम्मच के करीब काली मिर्च और थोड़ा सा हम ले लेंगे अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैंने थोड़ा लिया हुआ है। और साथ ही लेंगे थोड़ा सा दालचीनी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह थोड़ा धीमी आंच पे भूनूंगी। इसे धीमी आंच पे थोड़ी देर तक भूनेंगे और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी एकदम चुटकी भर हींग। ये हींग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैंने चुटकी भर लिया हुआ है। अगर आपका हींग स्ट्रांग नहीं है तो आप 1/4 स्पून ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं धीमी आंच पे भूनूंगी जब तक कि इसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। आपको पता लग जाएगा, चारों तरफ खुशबू फैल जाएगा। अब ये जो हमने अपना जो पत्ता जो थोड़ा रोस्ट करके रखा हुआ था, भून के रखा हुआ था, वो देखिए अच्छा ड्राई हो गया। जब इसको क्रश करेंगे ना तो बिल्कुल ये पाउडर बन जाए। अब इस चीज़ को हम पाउडर में मिक्स करेंगे तो हमारा पाउडर काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब मैं इसमें ले लूँगी 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। और साथ में ले लूँगी 2 चम्मच काला नमक और साथ ही हम ले लेंगे 1 चम्मच सफ़ेद नमक। और जो हमारा अपना जो हमने रखा हुआ है ना तैयार करके पुदीना और इसका पत्ता, वो भी इसमें ले लेंगे। अब इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब ये देखिए, इसे ग्राइंड करके मैंने एकदम महीन पाउडर बना लिया है, क्योंकि अब हम इसको छानेंगे नहीं। थोड़ा बहुत मोटा रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल महीन पाउडर बन गया है ना इस तरीके का। अब इस पाउडर को आप अगर स्टील के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में स्टोर करके रखते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर आप प्लास्टिक में रखेंगे तो थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है, इसलिए प्लास्टिक अवॉइड करिएगा। अब चलिए बनाते हैं बटर मिल्क। उसके लिए मैंने 2 चम्मच ले लिया है पाउडर, क्योंकि मैं 2 ग्लास बनाने वाली हूँ, और साथ में घर का जमा हुआ दही ले लिया है। और साथ में ले लेंगे 1/2 चम्मच काला नमक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक लगेगा, छाछ हमारा पतला होता है ना, इसलिए। अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे कर लेंगे पतला। और उसके बाद मैंने ले लिया है 2 ग्लास। अब उसमें डालेंगे कुछ बर्फ के टुकड़े और उसके ऊपर से अपना डालेंगे जो हमारा छाछ बना हुआ है वो। अब उसके ऊपर हम थोड़ा डाल देंगे अपना पाउडर जो बना हुआ है, और उसके साथ थोड़े सा पुदीना का पत्ता गार्निशिंग के लिए। और हो गया तैयार हमारा ठंडा ठंडा कूल रिफ्रेशिंग छाछ। आप भी इस रेसिपी को बनाइए और कॉमेंट में जरूर बताइए कि ये रेसिपी कैसी बनी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।